जैसे जैसे 2019 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, मोदी हुकूमत पर तनखीदें बढ़ती जा रही है। इसी बीच AITUC के जिम्मेदारों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ सिकंदराबाद में एहतजाजी अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर AITUC के जिम्मेदारों ने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और नोटबंदी के जरिए मुल्क की मईशत को नुकसान के असबाब और किसानों की बदहाली से खुदकशी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की। तो नाज़रीन देखते रहिए ASG न्यूज़ और कीजिए सब्सक्राइब क्राइम टुडे न्यूज़ के। शुक्रिया के साथ चीफ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट। 31 जिला है, उस सब 31 जिला में जत्था करते हुए, मीटिंग करते हुए, सभा करते हुए, पर्चा बांटते हुए, पोस्टर निकालते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए आपके बीच में आज यहां पहुंचे हैं। मैं AITUC हेडक्वार्टर की तरफ से बहुत धन्यवाद देती हूं तेलंगाना की कमेटी को और इन जत्था साथियों को। इसी तरीके से पूरे देश AITUC के महामंत्री अमरजीत कौर, हम लोगों ने AITUC की तरफ से पूरे देश भर में प्रचार अभियान लिया था, 9 अगस्त को शुरू किया था, जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस पड़ता है। और हम ये समझ रहे हैं कि केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है उसने 4.5 वर्ष से जितने वायदे किए थे वो सारे वायदे तोड़े, बल्कि उसके विपरीत काम किया, महंगाई भी बढ़ाई, रोजगार का भी नुकसान किया, रोजगार छीने गए, नए रोजगार पैदा नहीं किए गए। अब श्रम कानून बदले जा रहे हैं, मजदूरों के आंदोलनों को कुचला जा रहा है, किसानों के साथ भी धक्का हुआ है, हमारे विद्यार्थियों नौजवानों के साथ धक्का हुआ है। ऐसी हालात के अंदर हम पूरे देश में प्रचार अभियान के लिए निकले थे और पूरे देश में ये जत्था का कार्यक्रम किया गया। यहाँ तेलंगाना में भी 31 जिला के अंदर हमारे साथियों ने जत्था निकाले, बहुत सी सभाएं किए, बहुत से पर्चे बांटे, बड़ी बड़ी मीटिंगें भी किए, इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमन पीपल एरिया जो है सबको कवर करते हुए आज यहाँ क्लोजिंग फंक्शन था, यहाँ पर आए। इस पूरे जत्थे अभियान का पर्पज़ ये था कि सरकार ने जो वादा खिलाफी किया, जो विश्वासघात किया लोगों के साथ, उसकी पोल जनता के बीच में जाके खोली जाए। 2019 का चुनाव आ रहा है तो हम सीधे कहना चाहते थे कि अगर अपने देश के मजदूरों को बचाना है, अगर अपने देश के किसानों को बचाना है, अगर इस देश के जनवाद को बचाना है, अगर यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है, और यहाँ तक कि अगर संविधान इटसेल्फ के ऊपर जो इस सरकार ने हमला बोल रखा है उसको